हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो मैं हूँ अमन कांत मेहता और आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ फिलहाल सिंगरा पुल पे, आप देख सकते हो मैं हूँ यहाँ पे सिंगरा पुल पे अभी। और यहाँ से कुछ ही दूर पे हमारा जो कुदरत का करिश्मा है जो कि नेचुरली बनाई जाती है, मैं उसे दिखाऊंगा आज। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और आप देख सकते हैं ये है पड़वा जाने वाला रास्ता, और इसी के बीच में हम गाड़ी गाँव नाम का एक जगह है जहाँ की कोयल नदी है बगल में, और वहीं पे नाव चलती है। तो आज हम उसी नाव का सवारी करेंगे और उसी नाव पे बैठेंगे आज, तो वही चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा, क्योंकि हमने पहली बार आज नाव पे बैठेंगे। चलिए ये देखिए, इधर धान का खेती हुआ है कि बहुत ज़ोरदार तरह से हुआ है, और इतना बड़ा बड़ा इधर धान भी हो गया है, और यही हमारा कच्चा रास्ता है, देख सकते हो बहुत मेहनत से जानी पड़ रही है। वहाँ पर देखिए नाव है, तो आज आप लोगों का ड्रोन का शॉट दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे पिंटू भाई ड्रोन लिए हुए हाथ में, और हमारे पास रिमोट है। तो इधर देख सकते हैं अभी आगे हम लोगों का नाव से जानी है, तो 10 आगे है नाव पे आज पहली बार बैठेंगे, जो थोड़ा धुक धुक हो रही है। ये कोयल नदी का थोड़ा सा नजारा देखिए, ये देखिए पिंटू बाबू है इनका जींस का तो हालत खराब होने वाला है। खैर मैं तो ट्राउजर पहना हूँ, और देख सकते हो अब हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा, अरे 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 अभी गड्ढा है क्या, तो हालत खराब हो गई है। वो रहा नाव, देख सकते हैं आप लोग ये सवारी बैठी हुई है। देख सकते हो गाइस हम लोग नाव में बैठे हुए हैं आज पहली बार। बैठो सोनू, बैठ जाओ, ये देखो कोई दिक्कत ना है, सब आ जाते। देख सकते हो गाइस, तो आज हम लोग पहली बार नाव पे बैठे हैं, और नाव कैसे चलाई जाती है वो भी आज हम लोगों ने पहली बार ही देखा है। वैसे हम लोग टीवी में तो बहुत बार देखते हैं, टीवी में और सीरियल में मूवी में तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन आज हम लोगों ने रियल में नाव देखा है। ये देख सकते हो कैसे चलाया जा रहा है इसे, सर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी चलाने में। अभी फिलहाल हम लोग एकदम बीच में है, नदी के बीच बीच में है एकदम। यहाँ के लोग अभी भी नाव का यूज करते हैं आर पार होने के लिए, और यहाँ के बच्चे हैं जो कि स्कूल पढ़ते हैं ना, वो भी नाव से ही आर पार होते हैं। अभी भी नाव का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और हमारे पीछे पिंटू, और जैसे कि आप लोगों ने देखा अगर वो नाव पे घूमे, और हम लोग उस पार नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो चुकी थी और बारिश का मौसम भी है, तो उधर से वापस आने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए हम लोग इधर ही से घूम गए। और हम लोग फिलहाल पूरा ठीक गया, और पीछे पिंटू अभी आ ही रहा है, वो भी भिगा हुआ है।
तो हम लोग सब घूम चुके हैं, नाव में से निकल चुके हैं। ये पानी में बाबू है हमारे, पानी में से निकल चुके हैं। देखिए इनका जींस पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया। ये पीछे दो भाई लोग हैं, इन लोग का भी जींस इनका नहीं भीगा है, वो इनका बच गया है। और पीछे इनका इनका तो आप देख सकते हैं, इनका हालत खराब। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे भाई साहब, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।